तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, दिल्ली से सटे यूपी के गौतम बुद्ध नगर में बनने जा रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सरफेस यानी कि OLS सर्वे एक बार फिर से होने जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि NIAL ने सर्वे की जिम्मेदारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपी है। दोस्तों, OLS सर्वे होता है एयरपोर्ट के आसपास कोई बाधा या कोई अड़चन तो नहीं है। दोस्तों, नियम के मुताबिक एयरपोर्ट का प्रत्येक 3 साल में OLS सर्वे होना अनिवार्य है। इस सर्वे के तहत जानकारी जुटाई जाती है कि एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्र जिसमें एयरक्राफ्ट चक्कर लगाते हैं वहाँ किसी तरह की बाधा तो नहीं है। नोएडा एयरपोर्ट का इससे पहले OLS सर्वे 2017 में कराया गया था, जिसका मकसद यह होता है कि नोएडा एयरपोर्ट के निर्माण में किसी तरह की बाधा तो नहीं है, जैसे कि एयरपोर्ट के आसपास कोई ढांचा, हेरिटेज इमारत, कोई पुरातत्व साइट तो नहीं है। यह सर्वे हर तीसरे साल एयरपोर्ट का OLS सर्वे होना जरूरी होता है। बताया जा रहा है कि यह सर्वे 1 महीने में पूरा होगा। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए NIAL इसी महीने के अंत तक विकासकर्ता कंपनी यानी कि यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को अधिग्रहित 1334 हेक्टेयर जमीन का लाइसेंस देगी। नागरिक उड्डयन विभाग पहले ही इस जमीन को NIAL के नाम पर लीज कर चुका है। विकासकर्ता को यह लाइसेंस 40 साल के लिए दिया जाएगा। इस अवधि में विकासकर्ता कंपनी एयरपोर्ट का निर्माण व संचालन करेगी। तो दोस्तों, ये थी न्यू अपडेट जो हमने आपको बताई। तो दोस्तों, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सरफेस यानी कि OLS सर्वे एक बार फिर से होने जा रहा है। तो ये दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।